सुबह उठना बड़ा मुश्किल काम है, और इस वक्त हो रहा होगा टाइम 9 बज रहे होंगे, और सुबह मैं जल्दी इसलिए उठाऊँ क्योंकि भाई हमें बनवाना है डोमिसाइल। मेरा डोमिसाइल ही बना हुआ, कितना अफसोस की बात है। खैर एक्टिंग बहुत कर ली, अभी चल रहे डोमिसाइल बनवा रहे। सीन ये कि मेरे साथ साथ मेरी बहन का भी नहीं बना हुआ, उसका भी बनवाना है। तो अच्छा, मैं आधा काम करवा चुका था कि चालान भी पे कर दिया था और कोर्ट से स्टैम्प पेपर भी ले लिया था, लेकिन उस वक्त रश इतना था कि भाई मैंने कहा बाकी का काम बाद में करेंगे, अभी चलते हैं घर। तो हम घर आ गए थे, तो हमने अब जा रहे हैं सुबह जल्दी ताकि काम आराम से हो जाए और रश ना मिले। तो अभी निकल नहीं करते इससे पहले वापस रश ना हो जाए, क्योंकि सबको पता है भाई शहबाज बिल्डिंग में कैसा रश होता है कैसा नहीं। तो अभी निकल नहीं करते, बाकी बातें भी वहीं करेंगे और सीन भी दिखाता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं। तो आ जाओ भाई। तो शहबाज बिल्डिंग आ गए, और सही कि हम जल्दी आ गए क्योंकि आते ही देखा रश बहुत कम लग रहा है, बाहर गाड़ियों से ही बहुत कम लग रहा है रश। तो अभी अंदर चल के देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। अब दोनों के एनआईसी बना रहे हैं जी। एनआईसी बना रहे हैं, एनआईसी दे दो सर, एनआईसी दे दो प्लीज। आपके अब्बू का एनआईसी दे दो सर जी, वैक्सीन कार्ड दे दो। अभी चल रहा है टोकन नंबर 14, उसके बाद 15 है, मेरा 16 है, तो उसके बाद एक और है, फिर मेरी बारी है। यार मैंने ये नोटिस किया है कि किसी भी अगर लीगल डॉक्यूमेंट के लिए जाओ या लीगल प्रोसेस के लिए जाओ, उसमें जब आपकी पिक्चर लेते हैं ना, इतनी बुरी आती है, पता नहीं क्या सीन है। पहले जितना भी अच्छा करके जाओ, बाल सेट करके जाओ, अच्छी शर्ट करके जाओ, लेकिन अजीब सीन है, अजीब गंदी शक्ल आती है निकल के, पता नहीं क्या मनुष्य आ जाती एकदम शक्ल पे, कैमरे ख़राब है क्या सीन है कुछ पता नहीं है। आती है ना, मैं भी यही कह रहा हूँ, आती भाई गंदी बहुत, भाई का भी यही कह रहा, बहुत गंदी आती है भाई, देख लो। यानी कितना टाइम लगा आपको टंडे जाते हैं? भाई भाई जो है वो टंडो आदम से आए, बहुत दूर से आ रहे लोग, और काफ़ी टाइम लगेगा इस हिसाब से लग रहा है। अरे बच्चे आएंगे ना एक साथ, हमारे खाली वाले बच्चे देखे तो देखे यहाँ पे देख रहे हो, ये होती है 14 अगस्त। हमारे यहाँ तो बच्चे ऐसे होते हैं कि बस वो भोंपू लेके निकल जाते हैं, वो बजाने वाला नहीं, तो पों 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 दिन में शुरू करते हैं, रात तक चलता है रहता है वो पों पों। और हमारे तो बच्चे ऐसे नमूने हैं भाई, यहाँ पे फ्लैग बनवा लेंगे, यहाँ से आधा हरा आधा सफ़ेद मुँह और टोपी, बाल अजीब से रंग बिरंगे, और भोंपू बस पूरे दिन बाइक पर घूमते रहेंगे, रात को बल्कि रात को भी चुप नहीं होते भाई, रात को भी भोंपू चलाते रहते हैं अपना पों पों। मेरे हाथ में तो मैं तो तोड़ दूँ भाई, इतना उससे इतना सर में दर्द हो जाता है कि बस नहीं। असल में ही होती है भाई 14 अगस्त, आराम से मनाओ, नेशनल एंथम हो, सुकून से हो, काम और घर जाओ। आ गया हूँ मैं घर पे, काफ़ी थक गया था, थोड़ी देर आके लेटा बैठा। तो भाई डोमिसाइल के लिए डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट मैं बता दूँ। अच्छा जब वहाँ जाता हूँ ना तो 3-4 डॉक्यूमेंट बताते हैं, जैसे फादर का सी एन आई सी ओरिजिनल, और पे फॉर्म ओरिजिनल, और मैट्रिक का सर्टिफिकेट ओरिजिनल, और एक और चीज़ बताते हैं, हाँ रेजिडेंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ये चीज़ें बताते हैं। लेकिन भाई जब वहाँ जाओ बनवाने तो फिर पता चलता है और क्या क्या चाहिए, आपका भी ओरिजिनल सी एन आई सी चाहिए, और क्या चाहिए, हाँ। और मैं गया था वहाँ तो उन्होंने कहा कि पे फॉर्म चाहिए ओरिजिनल, और सी एन आई सी, और क्या चाहिए था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए थे यार, हाँ वैक्सीनेशन कार्ड, वैक्सीनेशन कार्ड ही बताते भाई, लेकिन वैक्सीनेशन कार्ड मांगते, ये ज़रूर लेके जाना, वरना फिर होगा नहीं, घर का चक्कर ज़रूर लगेगा। मेरे साथ भी यही हुआ, मैं वैक्सीनेशन कार्ड लेके नहीं गया था, मुझे बताया नहीं था, तो वापस आना पड़ा घर, फिर गया मैं, तो ये सीन हुआ। क्या हुआ, पैसे उनसे कहने शाम में लेते, ये तो होता भाई, अरे बिजली का काम कराया था, वो एक लाइन लगवाई थी, अब उनको पैसे देने हैं, वो मांग रहे हैं, दे देंगे, कहाँ भाग रहे हैं, देना तो पड़ेगा खैर। तो भाई ये डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके जाना, और बाकी चक्कर बहुत लगता है, तो अब लग रही भूख। अच्छा दोपहर का खाना ये सीन है, बनी कलेजी, कलेजी अच्छी नहीं लगती मुझे, तो और ऑर्डर भी देना भाई, 10 मुहर्रम को नज़र पेश करते हैं, तो उसके लिए ऑर्डर भी देना, तो सोच रहे कहाँ दें। तो मेरे दिमाग में भाई आ रहा है भी शरीफ, क्योंकि शरीफ तय वाली बिरयानी बनाता है, और काफ़ी सालों से हम पुलाव वाली बिरयानी बनवा रहे हैं,
उनको भी चलते हैं और वहाँ पे पूछते हैं क्या सीन है, देख कितने की बन रही है, क्या है, और खाते भी थोड़ा भूख भूख लग रही, साइड करते हैं। हाँ भाई, तो यार मैं शरीफ पे आ गया हूँ। अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, घर से फ़ोन आया कि आधा किलो मेरे लिए भी लेता ना, मेरी बहन का। अब क्या बताऊँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने का नहीं है पैसे। पीछे से उनका फ़ोन आ गया, कैसे कैसे जुल्म करते तेरे से बच्चे पे यार। अब लेना तो पड़ेगा, बोला है तो, और नहीं लेके जाऊँगा तो पता है बहनें कैसी होती हैं भाई, जीना आराम कर देगी मेरा, मेरी बहन तान इतने मारेगी कि बंदा बस भूल जाए कि भाई क्या करना था क्या नहीं करना था। आने तो छोड़ो, अगला व्लॉग बनाने नहीं देगी भाई, तो इससे अच्छा है खुद ना खाओ, आधा किलो ले लो। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, भूख बहुत लग रही है, खाऊंगा तो सही। तो पहले चलते हैं, पहले देख का पता करते हैं, फिर खाते हैं, फिर आधा किलो वापसी में ले लेंगे। तो कौन सी बिरयानी खाएगा? वो वाली। कौन सी, नाम बता पहले। चिकन वाली। वाह अरे वाह, स्कूल उस्कूल जाते हो? नहीं जाते। फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? ठेला चलाते हैं। ठेला किधर? इधर आगे। फ्रूट? कौन सा फ्रूट? तो बादाम होता है, कोई ये होता है, सारे लगा। भूख लगी है? चला आजा, मैं खिलाऊंगा, खाते दोनों खाएंगे मिल के। कितने की बनेगी, 10 किलो की और 8 किलो की? 10 किलो की 14,000। 14,000 रुपये और 8 किलो 12,000 रुपये की। तो ऑर्डर यहीं देना पड़ेगा? 8 किलो की 10,000 की, 12,000 की, और 10 किलो की 14,000 की। आते हुए डर रहा, इसको लेके आओ अंदर। आजा अच्छा, साथ नहीं खाएगा मेरे? क्यों, चलो दोनों साथ खा लेना। क्यों अलग, तो दोनों तीनों साथ खा लेना ना, क्या मसला है? सही है ना, तीनों मिल बाट के खाना, ये नहीं भाग जाओ, तीनों मिल बाट के उसके साथ खाओ मुझे। हाँ भाई, तो यार बिरयानी आ गई है, टेस्ट करते हैं क्या सीन है क्या नहीं। वैसे मैंने पहले खाई भी है, काफ़ी मज़े की होती है। तभी मैं आया तो ऑर्डर भी देने भूलना पड़ता है कि नॉर्मल करनी है स्पाइसी करनी है, उसके हिसाब से ही करते हैं। अगर आप नॉर्मल बोलेंगे तो आधे वाइट रखेंगे और आधे मसाले वाले चावल, और अगर आप बोल तो भाई स्पाइसी, तो जो वाइट वाले होते हैं राइस वो बहुत ही कम रखते हैं और ये मसाले वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आप बहुत बोल दो कि भाई नॉर्मल से भी बहुत कम मिर्च वाले, तो वाइट की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा होती है। चाहिए मैं सिंगल प्लेट के हिसाब से होता है, सिंगल प्लेट डबल प्लेट, तो सिंगल प्लेट में 1.5 पाव होती है, डबल में और होती है आधा किलो। ये सीन है भाई आपका सारा। अच्छा, इनका रायता भाई बहुत मज़े का होता है, मैंने बहुत बार खाया रायता डाल डाल के, रायता डाल के मज़ा आता है, सही मैं बता रहा हूँ। पहले ऐसे ही ट्राई करके एक बार दिखा देता हूँ काफ़ी, लेकिन जो मज़ा रायते के साथ है वो भाई एंड है। पहले बंगा रायते के साथ, गरम लगी पड़ी है, और गरम गरम खाने का अपना मज़ा है बिरयानी का। अब ट्राई करते हैं रायते का। अच्छा, रायता देखो कितना मज़े से दिया है, छोटी सी बहनी है। अच्छा, ये ख़त्म भी हो जाए ना तो आप मंगा सकते हो, और ये नहीं है कि ख़त्म हो गया तो बस ख़त्म, आप मंगा सकते हो, और इसकी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है भाई। कहीं कहीं पर मैंने देखा है कि रायतों के भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते भाई, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं सीन। हाँ, मज़ा अपना है, तय वाली बिरयानी का मज़ा अपना है भाई। जब तक तय वाली बिरयानी ना खाओ, बिरयानी का मज़ा नहीं है। और रायता डाल के तो अलग ही आता भाई, खासकर इसका रायता सर टाइट होता है। इसकी बिरयानी इसके रायते के बगैर मज़ा के देता ही नहीं भाई। वाह वाह वाह, अब देखो कितने अच्छे से प्लेट साफ़ किए मैंने माशाल्लाह से। ये बस शुक्रिया मेरा इतना अच्छा प्लेट साफ़ करने का, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर लिया मैंने। और अब जो जो चीज़ें पार्सल की थी वो मंगाते हैं, और देख का पूछ लिया। अब एक काम करना है, अब अम्मा से कॉल करके पूछना है कि अम्मा क्या करना है, इतने की देख है, इतने का सीन है, ऑर्डर देना है या नहीं देना। उसके बाद अम्मा पर डिपेंड करता है कि अम्मा क्या कहती हैं, क्या जवाब देना है।
अभी कहता हूँ उसको भाई पार्सल किया और फिर हम जाएँ। अच्छा यहाँ का सेटिंग जो जो एरिया है वो काफ़ी अच्छा है, फैमिलीज़ के लिए अलग है और अगर खाली मेल है तो उनके लिए अलग है, और सुकून वाला यार माहौल, काफ़ी मज़ा आया खाकर, और बिरयानी भी भाई एक नंबर है। पहले ही बता दूँ मैं तो खर्च हुआ पहले जैसे नहीं खाई, और पहले पहला मेन रीज़न था यहाँ ऑर्डर देने आने का, अब यहाँ से पूछ लिया तो अब इसका मज़े क्या सुने नहीं बोल लिया ऑर्डर 640। अच्छा यानी सुबह कब खुलता है अपना? 11 बजे दुकान, मतलब अकेला 11 बजे दुकान, 9 बजे 11 बजे आता है खाना और शाम तक कब तक ऑन होता है? शाम 10:30 तक, 10:30 बजे तक रात में। अच्छा बिरयानी खा ली और काफ़ी मज़े की थी भाई जैसे मैं बताया। अच्छा टाइमिंग में पता चली, मैं समझ रहा था कि शाम में 5-6 बजे तक बंद होता है, लेकिन पता चला भाई 10 बजे तक खुला रहता है, और घर वालों के लिए पार्सल ले लिया भाई बहन के लिए, ताकि समझ रहे हो, ताकि वो छो ना घर पे जाके, और दूसरा ब्लॉग भी मैं आराम से बना सकूं। तो यही सारा सीन था, और जिसको खाना हो तो भाई तय वाली बिरयानी सबसे अच्छी यही मिलती है, जहाँ मुझे पता था मैंने बता दिया। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करो, कॉमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।